बस्तर के जंगलों के बीच स्थित बीजापुर जिले के कुटारू गांव में बनी फिल्म नवा बिहान जो बस्तर की संस्कृति को दिखाती है और बस्तर के जंगलों में रह रहे आदिवासियों को नक्सली और पुलिस के बीच चल रहे संघर्षों से होने वाली समस्याओं और लाचारी को दर्शाती है। इस छत्तीसगढ़ी फिल्म के कलाकार आकाश सोनी जोश फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं और बीएसपी के किरदार में नजर आ रहे हैं रवि साहू। अपनी टीम के साथ दंतेवाड़ा सिनेमा में पहुंचे जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए फिल्म को बनाने में हुई चुनौतियों के बारे में बताया, साथ ही फिल्म का प्रमोशन भी किया। तो संगवारियों, आप मन से गुहार है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है, चाहे जो बोलो। अवैया 11 तारीख को आप मन ला हमन नवा फिल्म देखे मिली नवा बिहान, तो आप मन के अगोरा रही, ज़्यादा से ज़्यादा आओ हमार फिल्म ला देखो, अपन मया दुलार दो ताकि और अच्छा से अच्छा आप मन ला फिल्म दे सकन। तो आप मन के अगोरा रही 11 तारीख नवा बिहान में। आप मन चिंता झन करो, मोर नजर में एक झन कॉमरेड है। मोर मैना तो सरग ले उतर गया ही, जेकर नागी नसन नैना हो, जो मन बगिया के फूल कहना होगी, जेन अपन रंग में रंग के मोला अपन जिंदगी में लेक जाही। ए मोर सहेली नीलय, हमन स्कूल और कॉलेज के पढ़ाई ला दोनों संघरा करे हन। अब बड़ दिन के पासा हरे, अब बुचक के कहां भागे बोल। गोरिया छानी ले नैना लड़ाए रे, माफी मांगना ही तो कर फेवरेट चीज गिफ्ट कर दे। अंदर आए से पहले दरवाजा खटखटाए जाते, वो सबले पहली कुंडी लगाए जाती। दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं आकाश सोनी, मैं छत्तीसगढ़ सिनेमा में लगभग 3-4 सालों से काम कर रहा हूँ। ये मेरी लगभग 5वीं फिल्म है और मैं ये कहूँगा कि मेरी चारों पांचों फिल्मों में से ये जो फिल्म है वो बहुत अलग है, यूनिक है और बहुत ही सटीक तरीके से बनाई गई है। और बात रहे चैलेंजेस की, तो नवा बिहान नाम तो बहुत सिंपल लग रहा है। फिल्म का पोस्टर आप देख सकते हैं मेरे पास में है और मैं आज दंतेवाड़ा में खड़ा हूँ। आज 13 जनवरी है 2023। तो जब चैलेंजेस की बात होती है तो बस्तर में शूट करना, मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे। मैं कभी कांकेर के आगे नहीं आया था, तो पता चला कि हमको कुटरू में जाके शूट करना है जो कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो वहाँ पे जाके शूट करना और लगभग 15-16 दिन का शूटिंग ड्यूरेशन था, डेज थे, तो सुन के थोड़ा सा डर लगा। लेकिन जब हम लोग बीजापुर आए, बस्तर के अंदर एंटर किए, तब यहाँ की खूबसूरती को देख के मेरा जो धारणा था वो पूरा ख़त्म हो गया। और मैं बिल्कुल चाहूँगा कि हर फिल्म बस्तर में आगे शूट करूँ और अच्छे अच्छे ऐसे टॉपिक्स को मैं। नमस्कार, मैं रवि साहू, छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार हूँ। हमारी फिल्म नवा बिहान 13 तारीख से दंतेवाड़ा, सुकमा, मैंने कहा जाए बस्तर संभाग में काफ़ी जगह लगी हुई है, तो आज हम आए हुए हैं यहाँ पे। ये फिल्म के बारे में आपको बताना चाहूँगा, ये फिल्म हमारा मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ के समावेश है, दो कल्चर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी फिल्म में। पहला फर्स्ट हाफ हमारा जो है वो मध्य छत्तीसगढ़ को दिखाया गया और सेकेंड हाफ में हम दक्षिण छत्तीसगढ़ बस्तर को दिखाया गया, बस्तर की सुंदरता को दिखाया गया। यहाँ पे कुछ नक्सली समस्या है उसके ऊपर थोड़ा सा हमने फोकस किया है फिल्म को लेके, और यहाँ के कल्चर को, यहाँ के लोगों का जो कहा जाए रवैया है, वो कैसे दिनचर्या है उनका, क्या है क्या नहीं, उस पर हम लोग ने शूट किया है। और हम लोग का उद्देश्य बस्तर में यहाँ पे शूट करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि हम लोग यहाँ के सुंदरता को दिखाना चाहते थे, एक दूसरा तो यहाँ जो समस्या है वो दिखाना चाहते थे, यहाँ के जनजीवन को दिखाना चाहते थे, यहाँ की संस्कृति को दिखाना चाहते थे, क्योंकि आज तक छत्तीसगढ़ी फिल्म में ये सब नहीं हुआ है। तो ये चीज़ हम लोग के लिए भी नया था, एक्सपीरियंस नया था, बहुत अच्छा टाइम निकला यहाँ पे शूट करने पे, बहुत मज़ा आया। यहाँ के स्थानीय कलाकार लोग भी काम किए हुए हैं और ये फिल्म में नक्सल जो समस्या दिखाई गई है उसमें यहाँ के जो सिलेंडर नक्सल वो है वो भी काम किए हुए हैं, तो इस मायने से बहुत कुछ अलग और नया देखने को मिलेगा कलाकार को भी और यहाँ के दर्शकों को भी बहुत अलग चीज़ देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ हम यहाँ के टूरिज़्म को बहुत एक आयाम देना चाह रहे थे कि लोगों का थिंकिंग है कि बस्तर मतलब नक्सलवाद, तो हम ये दिखाना चाह रहे थे फिल्म के से माध्यम से कि बस्तर में सिर्फ नक्सलवाद नहीं, बहुत कुछ देखने लायक है। और रही सवाल मैसेज की बात है, तो बहुत कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक एक युक्ति है जो फिल्म के शीर्ष है,
वो नक्सलवाद से कैसे, उस समस्या से हट के अपनी जिंदगी को कैसे व्यतीत करना चाहती है, वो नक्सलवाद पे नहीं जाना चाहती, तो उनको क्या क्या समस्या होता है वो चीज दिखाया गया इसमें।